हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि किस तरीके से वाई क्रोमोसोम सिकुड़ रहा है। रिसर्च में बात सामने आई है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और आने वाले कुछ सालों में वाई क्रोमोसोम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वाई क्रोमोसोम ही खत्म हो जाएगा। जब वाई क्रोमोसोम ही खत्म हो जाएगा तो लड़के के होने की संभावना खत्म हो जाएगी, यानी आने वाले कुछ सालों में लड़के पैदा होंगे ही नहीं। तो क्या ये धरती बिना लड़कों के रह सकती? बिना लड़कों के क्या जिंदगी मुमकिन है? कितनी पीढ़ी हम आगे बढ़ा सकते हैं? तो उस पर बहुत सारे लोगों ने चिंता की थी अपनी कि एक बात बताओ, अगर वाई क्रोमोसोम ही खत्म हो जाएगा तो पूरा इंसान खत्म हो जाएगा, पूरा मनुष्य, पूरी जो हमारी जनजाति, सब कुछ खत्म हो जाएगी। तो किस तरीके से हम वाई क्रोमोसोम को बढ़ा सकते हैं? कोई उपाय है, कोई वैज्ञानिक तरीका, कोई प्राकृतिक तरीका जिसको अपनाकर हम अपने वाई क्रोमोसोम को ताकतवर बना सकते हो, हम अपने वाई क्रोमोसोम को और बढ़ा सकते हो जिससे कि जो मनुष्य की जनजाति वो खत्म ना हो? तो उसी बारे में आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अब देखो, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक समझोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। देखो, लिखा हुआ है कि महिलाओं और पुरुषों में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। सबको पता है, बहुत ही बेसिक चीज है कि जो महिला और पुरुष होते हैं उनमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े ऑटोसोम कहते हैं और एक जोड़े को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जो 22 जोड़ा होता है वो पुरुष में भी और महिलाओं में, दोनों में भी एक जैसा होता है। जैसा मेरे में है वैसा किसी पुरुष में भी होगा, लेकिन जो एक जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। वो महिलाओं का अलग होता है और वो पुरुषों का अलग होता है। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है और पुरुषों के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। अब जो ये क्रोमोसोम होता है ना, इस क्रोमोसोम के अंदर जीन होता है जो कि आपके, आप कैसे दिखोगे, आप क्या बनोगे, आप लड़का बनोगे, लड़की बनोगे, बाल कैसे होगी, आंखें कैसी होंगी, इन सब चीज़ों को वो निर्धारित करता है, ठीक है। तो अब देखो, कह रहा है कि जो महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम है और पुरुषों के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम है, लेकिन जो मानव शरीर है उसमें जो एक्स गुणसूत्र होता है, देखो जो एक्स क्रोमोसोम है वो महिलाओं में भी है और वो पुरुषों में भी है, ठीक है। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम है उसके अंदर लगभग 900 जीन है, जो कि अभी रिसर्च में सामने आया है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो एक्स क्रोमोसोम है उसमें लगभग 900 जीन बचे हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम है हमारा मतलब जो पुरुषों का वाई क्रोमोसोम है, उसमें 900 जीन नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 55 जीन बचे हुए हैं। और यही चिंता का विषय है कि 900 जीन किस में है, एक्स क्रोमोसोम में, लेकिन वाई में सिर्फ कितने बच्चे हैं, 55, जो कि आने वाले कुछ वर्षों में वो 55 जीन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए तो वाई सिकुड़ रहा है। एक तो वाई पहले से ही छोटा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इमेज लगाई थी, अभी भी लगा दूंगी कि एक्स क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम एक्स के कंपैरेटिव बहुत छोटा है, और वैसे भी जो उसके जीन है वो घटते जा रहे हैं, आने वाले समय में वाई क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, कह रहा है कि अब सिर्फ 55 जीन बचे हैं जो कि पुरुषों के अस्तित्व खत्म करने की संभावना को बढ़ाता है। जो जीन होता है प्रोटीन बनाने के लिए निर्देश देते हैं जो शरीर में भूमिकाएं निभाते हैं, ठीक है। तो यहां तक तो आपको बात समझ में आई, ये बहुत ही बेसिक चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। अब कह रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम को हम कैसे ताकतवर बना सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारा मुद्दा इसलिए है कि बढ़ा कैसे सकते हैं, ताकतवर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि पुरुष जो जनजाति है वो खतरे में है। लग क्या रहा है, साइंटिस्ट बता भी रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में जब वाई ही खत्म हो जाएगा, तो जब वाई ही नहीं है तो पुरुषों के पैदा होने का सवाल ही कैसे है, क्योंकि आपको पता होगा कि महिलाओं के पास तो वाई होता नहीं है। तो जब एक्स क्रोमोसोम, महिला का एक्स क्रोमोसोम पुरुष के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, और जब महिला का एक्स पुरुष के वाई से मिलता है तब लड़का पैदा होता है, और जब वाई ही नहीं रहेगा तो लड़का पैदा कैसे होगा। और साइंटिस्ट बता रहे हैं कि वाई क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो लड़का पैदा होगा नहीं। तो क्या सचमुच लड़के खत्म हो जाएंगे, क्या सचमुच अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, क्या कोई तरीका ही नहीं है कि वाई क्रोमोसोम को बचाया जा सके, बढ़ाया जा सके? अब देखो, उसके लिए एक कहानी समझनी पड़ेगी। एक कांटेदार जंगली चूहे की कहानी थी। उस वो जो चूहा था अभी भी है, वो चूहा अभी भी है, लेकिन जो वो चूहा है ना, कांटेदार चूहा, उसमें एक समय ऐसा आया था कि उसमें से वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा था। जो जीन है उसके वो क्या धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, खत्म हो रहा था। तो वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा था, यानी कि वो जो कांटेदार चूहा है उसमें नर जाति खत्म हो जाती, क्योंकि उसका वाई क्रोमोसोम खत्म हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वाई क्रोमोसोम खत्म होने की कगार पर आ रहा था, उसके पहले उन्होंने नई जीन विकसित कर ली। अब उन्होंने क्योंकि नई जीन विकसित करी और वाई क्रोमोसोम क्या हो गया, खत्म हो गया, तो उस नई जीन विकसित करने के बदौलत आज भी वो चूहे हमारी दुनिया में मौजूद हैं। उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो जनजाति है, वो खत्म नहीं हुई है। और यही रिसर्च मानव में राहत पैदा करती है कि अगर वो चूहों में नया जीन विकसित हो सकता है तो पुरुषों में भी एक नया जीन क्या हो सकता है, हम मानव में भी एक नया जीन क्या हो सकता है, विकसित हो सकता है, जो हमारी प्रजाति को, हमारी जनजाति को बचा सकता है। अब चूहों का कंपैरिजन इंसानों से क्यों, क्योंकि आपको पता है जो चूहे होते हैं उन्हें बहुत सारी
हम जो चूहे होते हैं और जो इंसान होते हैं उनमें बहुत सारी अनुवांशिक जो समानताएं होती हैं हमारे में और चूहे में बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कैंसर की कुछ टेस्ट करने होते हैं, HIV का कुछ करना होता है, या फिर जब कोविड था तो हमारे उस पर जो वैक्सीन चेक होते थे वो सब चूहों पर चेक होते थे, क्योंकि चूहों में और हमारे में बहुत ज़्यादा समानताएँ होती हैं। इसीलिए अगर चूहों में नया जीन विकसित हो सकता है तो हमारे में भी एक नया जीन विकसित हो सकता है, लेकिन सिर्फ ये संभावनाएँ हैं, ऐसा होगा ही, इस बात की कोई गारंटी मौजूद नहीं है कि मैं बोलूं नहीं एक नया जीन विकसित होगा ही। नया जीन विकसित हो सकता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि वाई क्रोमोसोम धीरे धीरे खत्म हो रहा है, धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, और आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ मतलब वो वर्ष थोड़ा सा ज्यादा है, 11 मिलियन वर्षों में जो वाई क्रोमोसोम है वो खत्म हो जाएगा और हो सकता है इंसान खत्म हो जाए अगर नया जीन विकसित नहीं हुआ तो। अब बात करते हैं किस तरीके से हम वाई क्रोमोसोम को बढ़ा सकते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने का कोई प्राकृतिक या वैज्ञानिक तरीका नहीं है। अफसोस, बट ये बिल्कुल सही है। जो भी लोग आपको, जो भी डॉक्टर, जो भी बाबा पुजारी आपको बताते हैं कि हमारे पास आओ आपको लड़का ही पैदा होगा, मैं आपको जड़ी बूटी देता हूँ आपको लड़का ही पैदा होगा, आपका वाई क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, वाई गुणसूत्र बढ़ जाएगा, वो बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। साइंस ने कितनी भी तरक्की भले ना करी हो, कितनी भी तरक्की क्यों ना करी हो, लेकिन रेडीमेड बच्चा पैदा नहीं कर सकता, वो वाई क्रोमोसोम को आपके अंडे से नहीं मिला सकता, कि मतलब वाई क्रोमोसोम की मात्रा को बढ़ा नहीं सकता। ये जेनेटिक संरचना है, जितनी आपके पास है उतनी ही आपके पास रहेगी, किसी दवाई से किसी उपचार से वाई क्रोमोसोम को आप बढ़ा नहीं सकते, आप ताकतवर नहीं कर सकते। तो जितना आप में मौजूद है वो उतना ही मौजूद रहेगा, किसी बाबा के चक्कर में, ऐसे डॉक्टर फ्रॉड के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दुख भाई लिखा हुआ है कि वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने का कोई प्राकृतिक तरीका नहीं है और कोई वैज्ञानिक तरीका भी नहीं, यह एक नेचुरल जेनेटिक संरचना है जिसे बदलना संभव नहीं है। कांटेदार चूहों पर की गई रिसर्च, यह राहत मिली है कि मनुष्यों में कोई नया जीन, कोई नया क्रोमोसोम विकसित हो सकता है जिससे कि मानव जाति बच सकती है, और अगर प्रकृति चाहेगी तो इंसान आगे को जिंदा रहेगा, आगे को अपनी पीढ़ी बढ़ा सकेगा, लेकिन अगर हो सकता है दुनिया खत्म होने वाली हो तब तो ये मतलब, क्योंकि अब हमारे पास वो है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि नया क्रोमोसोम अगर डेवलप हुआ तभी बचेंगे, अगर नया क्रोमोसोम डेवलप नहीं हुआ तो सिर्फ लड़की की वजह से सिर्फ महिलाएं ये दुनिया नहीं चला सकती ना, दुनिया चलाने के लिए मेल भी चाहिए और फीमेल भी चाहिए। एक पीढ़ी तक आगे जाएंगे उसके बाद तो सब बूढ़े हो जाएंगे और सब लोग मर जाएंगे, तो दुनिया क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम वाई क्रोमोसोम को नेचुरली या फिर किसी भी साइंटिफिक तरीके से बढ़ा सकें, इंक्रीज़ कर सकें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज़।